द्वारका सेक्टर 16 बी स्टूडियो अपार्टमेंट में एमसीडी मलेरिया विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को डेंगू मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया गया। यह अभियान क्षेत्र के निगम पार्षद राजदत्त गहलोत व मलेरिया विभाग के इंस्पेक्टर सतपाल सहरावत RWA से मिल के किया गया, जिसमें RWA अध्यक्ष अजीत सिंह, उपाध्यक्ष नाथुलाल वर्मा, उपाध्यक्ष कविता देवी, महासचिव राजबाला, कोषाध्यक्ष रूपेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी मनीष सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश डबराल, सदस्य लीगल एडवाइजर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, सदस्य अभिषेक, भूतपूर्व महासचिव रमेश मुमुच्छु, कुलदीप सिंह, ओम प्रकाश, मनमोहन, पंकज झा, अनिल बर्मन, श्रीपाल नेगी, सतीश नेहरा, अजमल के साथ साथ पॉकेट के बहुत से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। द्वारका, नई दिल्ली से आंचल शर्मा बंसल की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं अध्यक्ष अजीत सिंह और W16B जनता प्लेस स्टूडियो अपार्टमेंट, हमारी सोसाइटी में राजदत्त गहलोत जी द्वारा भेजी गई टीम और हम राजदत्त जी का बहुत स्वागत करते हैं। और सतपाल सहरावत जी ने अच्छा काम के लिए हमारे सहयोग करते रहते हैं, आते रहते हैं। हर 15 दिन में एक बया दो बया आ जाते हैं और हमें सभी पॉकेटवासियों को इनका स्वागत करना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए। जो छतों पर पानी टंकी भरी है, नालियों में कि जहाँ पानी जमा होता है उसको साफ करना चाहिए और सभी लोगों को जागरूक रहेंगे तो ही बीमारी से बच सकते हैं हम लोग। मैं नाथूलाल वर्मा, उपाध्यक्ष स्टूडियो अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 16B। राजदत्त गहलोत जी ने हमारी सोसाइटी के लिए दिन रात काम के लिए तत्पर रहते हैं और जो भी कार्य होते हैं वो हमेशा आगे बढ़कर, जैसे एक परिवार का एक सदस्य सोसाइटी के लिए अपने परिवार के लिए चिंतित रहता है, उसी हिसाब से वो काम करते रहते हैं। पिछली बार, पिछले हफ्ते भी हमने सफाई अभियान उनके द्वारा शुरू किया गया था और आज मलेरिया विभाग द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया और तमाम बीमारियों के जो मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होती है उनकी दवाई का छिड़काव किया जाएगा। टंकियों में दवाई डाली जाएगी, जिसमें MCD मलेरिया विभाग के सतपाल सहरावत जी है वो इनमें बढ़ चढ़ के हमेशा हमारा साथ देते आए हैं। इसके लिए सतपाल सहरावत जी, राजदत्त गहलोत जी और तमाम MCD मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं रूपेश कुमार, तेजरार सेक्टर 16B जनता फ्लैट, मैं यहाँ का इलेक्टेड मेंबर हूँ। नाउ अभी यहाँ पे MCD द्वारा जागरूकता अभियान रखा गया है, जिसमें चिकनगुनिया एंड और बीमारियाँ जो पानी के जमा होने से पैदा होता है उसके बारे में इन्होंने रखा है। मिस्टर सहरावत हैं जो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारी सोसाइटी के लिए आगे आते हैं और हमेशा इस तरह की कैंपेन और टेम्पलेट्स वगैरह पूरी सोसाइटी में बंटवाते हैं, तो मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद श्री राजदत्त गहलोत जी जो हमारे सोसाइटी में हमारे पार्क हैं, हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, हमारे रोड्स हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए भी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। मनमोहन, स्टूडियो अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 16B का एक नागरिक हूँ। बहुत वर्षों से MCD द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं, जिसके बेस पे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बीमारियाँ जो कि हर प्रतिवर्ष जुलाई महीने से शुरू होती हैं बरसात के, उसके लिए ये स्प्रे किए जाते हैं। आज भी सतपाल जी द्वारा उनकी टीम आई यहाँ पर उपस्थित है, वो यहाँ पर पब्लिक को जागरूक अभियान चला रहे हैं। मैं राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, मेंबर एग्जीक्यूटिव और लीगल एडवाइज़र हूँ इस सोसाइटी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जी, ट्रेजरर साहब, सोसाइटी के तमाम जनता, मैं यही कहना चाहता हूँ जागरूकता अभियान में कि जो राजदत्त गहलोत जी द्वारा चलाया गया अभियान मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सफाई अभियान, टाइल्स का काम, जब से मैं 2 साल से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि पहले और आज में बहुत फ़र्क है। मैं सत्यपाल सहरावत जी का, तमाम टीम का, मलेरिया विभाग की टीम का और निगम पार्षद राजदत्त गहलोत जी का, जो हमारे सोसाइटी में इतना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इसको अपना घर ही मानते हैं, मैं तहे दिल से इन तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी जागरूकता अभियान है और ये हर साल ही होता है, क्योंकि ये सीजन है जबकि ये ब्रीडिंग होती है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ की ब्रीडिंग होती है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया वगैरह। और कोरोना से हम, क्योंकि इस बार इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, कोरोना भी हमारे आसपास अभी खतरा टला नहीं है, कोरोना का थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी बात की बात है। कोरोना और ये बीमारियां अगर हो गई तो बहुत ही घातक होगा,
तो हमारे एमसीडी के लोग अक्सर आते हैं, हर साल आते हैं, दवाइयाँ भी डालते हैं लगातार, और इसलिए ये अवेयरनेस करना ज़रूरी था ताकि ये बात दोबारा रिपीट कर दी जाए, ताकि पानी को हम साफ पानी को बिल्कुल रोके ना, कोशिश करें कि ब्रीडिंग ही ब्रीडिंग ना हो, अगर वेक्टर बोर्न ब्रीडिंग नहीं होगी तो मच्छर भी नहीं होगा। बहुत धन्यवाद।